मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमन पांडे। आपका स्वागत है हमारे एडुकेशन एकेडमी चैनल में, जिसमें हम आज करेंगे आईटी का कोड 402। हम क्लास 9 का कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल। इसमें हम यूनिट 2 और यूनिट 2 का हमारा ये सेशन 1 है और हम पार्ट 3 कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में बहुत से क्वेश्चन करे हैं और इसमें हम पुराने सेशन में जो क्वेश्चन करे हैं उसके रिवीजन करेंगे और नए सेशन का हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। और ये सेशन हमारा 1 ही सेशन 2 करेंगे हम, और कुछ पुराने सेशन 1 में से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम क्लास 9 का कर रहे हैं, चैप्टर 3 एडुकेशन। हमारा चैनल का नाम एडुकेशन अकेडमी, आईटी कोड 402, क्लास 9 डेटा एंड कीबोर्डिंग स्किल। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो, हम इतनी मेहनत से आप लोग क्वेश्चन लाते हैं और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव टेक्स्ट जस्ट टू द राइट और द कर्सर। ऑप्शन आपके सामने, ब्लैक स्पेस, डिलीट की, स्पेस बार। इनमें से कौन सा टेक्स्ट है? यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट है। जस्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर, कौन सा रिमूव करता है राइट ऑफ द कर्सर? आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका आंसर है डिलीट की। देखो यहाँ पे दे नहीं रखा है, यहाँ पे डिलीट की इसका आंसर है। देखो यहाँ पे एक ऐसा स्लाइड होता है, यहाँ पे डिलीट की बना होता है, ये होता है डिलीट की। ये हमारे बस राइट को, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है तो एम को हटा देगा, डिलीट दबाएंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन ऑफ द कीबोर्ड इज QWERT QEWRETY QWERYT। इनमें से कौन सा बताना है, कौन सा सही है, कौन सा पॉपुलर डिजाइन है? आपके पास 5 सेकंड है। तो चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है ये ए, इसका आंसर है सही, इसका आंसर है। देखो QWERTY, QWERTY और इसमें वाई टी है, यहाँ पे वाई एर और टी इनमें आगे पीछे हो गया, और इसमें क्यू ई और डब्ल्यू आगे पीछे हो गया। तो इसका आंसर है ए, ए इज करेक्ट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैप्स लॉक की इज आल्सो कॉल्ड, कैप्स लॉक की को हम और क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने कुछ ये है, कंट्रोल की, मॉडिफायर की या टॉगल की। तो इसका आंसर आप बताओ। व्यवहार 5 सेकंड है। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर में इसका बता रखा है। तो इसका सही आंसर है टॉगल की। देखो टॉगल की हम क्यों कहते हैं, क्योंकि कैप्स लॉक की हमें मदद करता है किसी चीज को कैपिटल में लिखने के लिए, इसलिए टॉगल की। और मॉडिफायर की शिफ्ट को और ऑल्ट की को बोलते हैं, और कंट्रोल की तो ये रहा कंट्रोल की, ये रहा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द रो विच बिगिन फ्रॉम कैप्स लॉक की इज कॉल्ड। ऑप्शन ये है आपके सामने, द रो विच बिगिन, मतलब कौन सी रो है जो कैप्स लॉक से स्टार्ट होती है, होम रो, टॉप रो, मिडल रो। आपके पास 5 सेकंड है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है होम रो। ये देखो होम रो इसका सही आंसर है। देखो ये रहा कैप्स लॉक की, और इसके आगे से जा रहे हैं ये ए एस ए एस डी एफ जी एच जे के एल सेमीकोलन, ये जा रहे हैं कैप्स लॉक के आगे। तो हम इसको बोलते हैं होम रो। और हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि इन दोनों रो को क्या बोलते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। You will put middle finger on the number key. इसमें ये पूछ रहा है आप अपनी middle finger number numeric keypad में कौन से number पे रखते हो? Option है 6, 5, 4। आपके पास 5 सेकंड है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है B, 5।
देखो ये रहा हमारा न्यूमेरिक कीपैड, इसमें देखो इसमें छोटा सा नीचे डैश बना होता है, इसमें हम मिडल फिंगर रखते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है और ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड का गाइड की है। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड हेल्प्स टू एंटर ऑप्शन आपके साथ ये रहे। मैं पूछ रहा है न्यूमेरिक कीपैड हमें क्या लिखने में मदद करता है, किस काम आता है। ऑप्शन है ए बी सी, में ए में है नंबर, बी में लेटर, सी में या दोनों, ये दोनों। आपके पास 5 सेकंड है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है नंबर। देखो इसमें हमें न्यूमेरिक कीपैड हमें क्या मदद करता है, लेटर लिखने में तो मदद करेगा, नहीं तो नंबर लिखने में मदद करेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डैश इज एन एरिया वेयर वी सी द टेक्स्ट विच इज टू बी टाइप ऑप्शन दिस। इसमें बोल रहा है वो कौन सा एरिया है जो 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 हमें दिखाता है कि कहाँ पे टेक्स्ट है, जो ऐसा कौन वो कौन सा एरिया है जहाँ पे टेक्स्ट हम देखते हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट देखते हैं उसमें टाइप करते हैं। ऑप्शन टेक्स्ट पैनल, लेटर पैनल या पैनल। आपके पास 5 सेकंड है। फिगर आपके सामने ये रहा। चलते हैं इसका आंसर कितना है। इसका आंसर है टेक्स्ट पैनल। ये होता है टेक्स्ट पैनल जहाँ पे SLA ये लिखा है, ये होता है हमारा टेक्स्ट पैनल। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द WPM स्टैंड्स फॉर, WPM की फुल फॉर्म बताओ। ऑप्शन ये रहे वर्ड्स पर मिनट, वर्ड पर मिनट, विदित पर मिनट, विट पर मिनट। तो आपके पास 5 सेकंड है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है वर्ड्स पर मिनट, ये इसका सही आंसर है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजल्ट विंडो कंसिस्ट ऑफ, रिजल्ट विंडो क्या कंसिस्ट करता है, कितने टैब कंसिस्ट करता है, 2 टैब 3 टैब 4 टैब। आप इसका आंसर बताओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना जल्दी करें, अभी अभी करें। और एडुकेशन एकेडमी हमारे चैनल का नाम है, हम क्लास 9th का कर रहे हैं अभी। तो इसका आंसर है 2 टैब। तो हम इसका आंसर है कैसे देखो, और अपने स्कूल में फ्रेंड्स को बताएं यहाँ पे फ्री एडुकेशन चल रही है। देखो ये हम इसको काउंट नहीं करते हैं, हमारा डिटेल्स स्टैटिक्स और एरर व्यू में हम इसको काउंट नहीं करते। एरर व्यू में हमारे गलतियां दिखाता है कि हमने कितनी काम पे क्या क्या गलती करी है। डिटेल स्टैटिक्स में हमारे और पूरे रिकॉर्ड दिखाता है हमने क्या 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 किया है, मतलब हमने हमारे हमारे कितने स्कोर आए हैं सब में। और ये हमें काउंट नहीं करते, वैसे ये हमें नेक्स्ट लेसन में जाने में मदद करता है और ये ट्राई अगेन उसी लेसन को फिर से करने में मदद करता है। इसका आंसर टैब 2 टैब। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विंडो डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ ऑल लेसन। ऑप्शन ये रे इनमें बताता है कौन सी विंडो हमें ये बताता है कि और सारी लेसन का रिजल्ट कहाँ पर है। रिजल्ट्स में बताता है, यूजर्स में बताता है या स्टैटिक्स में बताता है। आपके पास 5 सेकंड है। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है स्टैटिक्स। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था डिटेल स्टैटिक्स में हमारे सारे रिकॉर्ड होते हैं कि हमने क्या क्या करा है। यहाँ पे चलो हम जल्दी बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टैटिक्स यहाँ पे हैं, हमें पूरा बताता है रिकॉर्ड। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टैटिक्स विंडो कंसिस्ट ऑफ, स्टैटिक्स विंडो कितने टैब कंसिस्ट करता है, स्टैटिक्स विंडो कितने टैब कंसिस्ट करता है, 2 या 3 या 4। आपके पास 5 सेकंड है।
तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है टू। देखो टू टैब कंसिस्ट करता है, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे ये लाइन बनी हुई है। यहाँ पे एक टैब होता है स्पीड का टैब, यहाँ पे दूसरा टैब होता है एक्यूरेसी का। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, केपीएम का फुल फॉर्म बताना आप, केपीएम का फुल फॉर्म कमेंट में करना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेसन एडिटर विंडो इज यूज्ड फॉर, लेसन एडिटर विंडो हमें किस काम में आता है, कस्टमाइज करने में, चेक प्रोग्रेस करने में, या चेक लेसन एरर। आपके पास 5 सेकंड है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल एडुकेशन एकेडमी को। हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर है ए कस्टमाइज। रुको, हाँ ये रहा। हम इसे हम कस्टमाइज करते हैं कि हमें अपने टेक्स्ट पैनल में जो वहाँ पे लिखा होता है, जैसे वहाँ पे लिखा था एस के जे सेमी कॉलन लिखा था, तो उसको कस्टमाइज करने में हमें ये लेसन एडिटर काम आता है। हमें वो कस्टमाइज करने में चेक प्रोग्रेस हमें हमें स्टैटिक्स में दिखता है, स्टैटिक्स, और चेक एरर व्यू हम वो वहाँ पे देखते हैं। जब हमारा ये ख़त्म हो जाता है, जब हमारा ये एंड हो जाता है ना, तो उसमें हमारा प्रोग्रेस आता है, तो वहाँ पे आता है हमने क्या क्या गलती करी है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एग्जिस्टिंग लेसन। ये रहा, इनमें बता रहे हैं इन इनमें से कौन सा कंटेन करता है एग्जिस्टिंग, मतलब लेसन कंटेन करता है सारे लेसन, ऑल लेसन। तो बताओ इसमें इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड है। चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है नेविगेशन पैनल। हम लेसन एडिटर में क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी चूज करेंगे। ये जैसे कि हमने चूज करा टू, जैसे कि आपने चूज करा टू, तो यहाँ पे वो आ जाएगा टू में क्या क्या लिखा है। तो उसमें हमें अगर कुछ चेंज करना हो तो हम वहाँ पे कर्सर रखेंगे और वहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग की डिलीट करेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, इसमें बस 3 सेकंड दूंगा। ये मैंने क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो फिर शुरू में मैंने बताया था कि डिलीट के हमें क्या मदद करता है, राइट को डिलीट करने में, और ब्लैक। रुको, ये आंसर, हाँ आंसर हमारा सही है। ये डिलीट की का बता रहे हैं इसमें, हमें इसमें मदद करता है राइट में, अब ब्लैक स्पेस करता है हमें लेफ्ट में। ये रहा ब्लैक स्पेस की, ये रहा हमारा, ये रहा ब्लैक स्पेस की, ये रहा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज द टेक्निक ऑफ टाइपिंग टेक्स्ट विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड की। ऐसी वो कौन सी टेक्निक है जो हमें टाइप करने में मदद करती है बिना कीबोर्ड को देखे, बिना कीबोर्ड की की को देखे हुए। तो आपके पास 5 सेकंड है। वैसे मैंने इसकी भी डेफिनेशन बताई थी, क्या बोलते हैं इसको, अपने प्रीवियस वीडियो में। चलते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर टच टाइपिंग। टच टाइपिंग इसका करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिंगर हिट द करेक्ट की ऑन द कीबोर्ड थ्रू। आपके पास ऑप्शन ये रहे, इसमें ये बोल रहा है हम कीबोर्ड में फिंगर को हिट करते हैं, उनमें हमें क्या मदद, उससे हमारा क्या होता है, वो हम कैसे करते हैं। आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन है मसल मेमोरी से, फोर्स ऑफ हैबिट, या बोथ ए एंड बी। चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। देखो अगर हम अपने मसल मेमोरी, मतलब अगर हमारी फिंगर्स को याद आएगा कि हमें कौन से समय क्या टाइप करना है, तो हमारी मसल्स मेमोरी स्ट्रांग होगी। अगर हम फोर्स ऑफ हैबिट, अगर हम की में अलग अलग फोर्स डालेंगे, तो कोई की
अगर कोई हम धीरे से टाइप करेंगे तो वो होगा ही नहीं, उसमें कुछ लेटर आएगा ही नहीं, और अगर हम तेज की टाइप करेंगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए हमें एक जैसा बनाना चाहिए। इतना कर रहे हैं, अगर हम फोर्स डाल रहे हैं 5 न्यूटन का डाल रहे हैं तो हमें सारी जगह भी 5 न्यूटन का डालना चाहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट पैनल कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग, हम टेक्स्ट पैनल का अपीयरेंस मतलब बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास ये रहे, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर या ड्राइंग। अपीयरेंस टेक्स्ट पैनल का हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है हमारा वॉलपेपर। देखो मैं बताता हूँ, हम अपीयरेंस मतलब बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड होता है तो इसको ही हम वॉलपेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये सही होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड CPM स्टैंड्स फॉर, CPM का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, करेक्टर्स पर मिनट करेक्टर्स पर मैट्रिक्स। तो आपके पास 5 सेकेंड है, तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है करेक्टर्स पर मिनट, बी ऑप्शन। तो आज का हमारा यही, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हमारे, अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमारे, तो आप कमेंट करें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। और आप हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आप कमेंट में ज़रूर आंसर डालें कि KPM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं, और आप मोहल्ले में हल्ला मचा दो, सबको बता दो यहाँ पे फ्री एजुकेशन है।